हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो मैं लेकर के आया हूँ ये है डेमो सीरीज़ का ये अगला टॉपिक, जो कि EVS का एक नया टॉपिक मैं ले रहा हूँ, ट्रैफिक रूल्स। और जो रूल्स ऑफ ट्रैफिक हैं वो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि बच्चों को किस तरह से रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम अवेयर करवाएंगे क्लास 2 के बच्चों को, प्राइमरी बच्चों को। यदि आपसे पूछा जाता है वहाँ इंटरव्यू पैनल में तो वहाँ आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैंने एक और, आप पुरानी वीडियो मेरी देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी EVS के मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको पहले ही बता दी है, और किस बेस पे मैंने बताई है कि वो टॉपिक क्यों पूछे जाएंगे वो भी मैंने बताया हुआ है। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, सो कुछ आज कुछ नया सीखते हैं बच्चों। तो आप ये बताइए, आपने कभी लाइव एक्सीडेंट होती हुई रोड में देखा है कभी आपने? आपने कभी रोड में जा रहे हो, आप सड़क पे जा रहे हो, घर जा रहे हो, कभी आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा है या टीवी में देखा है? कहीं तो देखा होगा ना। हाँ, सभी ने देखा है। हाँ, बाइक देख कई बार बाइक टकराती हुई देखा होगा आपने, कई बार कार जो है ना, कई बार लोगों को चोट लग जाती है ना, कई बार इवन डेथ तक हो जाती है लोगों की, है ना, कार एक्सीडेंट्स वगैरह से। तो अच्छा ये बताइए मुझे, किसी को पता है इन जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या होता है बच्चों, पता है किसी को? बताइए आप लोग। हाँ, गाड़ी तेज चलाने से भी हो जाता है, हेलमेट नहीं पहनने से ध्यान रखना होता है हमें, है ना, सीट बेल्ट्स नहीं बांधते हैं। गुड। तो बच्चों जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं हम उनका पालन नहीं करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, रोड सेफ्टी जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज जो है, आज का टॉपिक है हमारा ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स, इसको रोड सेफ्टी भी कह सकते हैं, तो ट्रैफिक रूल्स ही हम पढ़ेंगे। और इसमें आपके लिए ज़्यादातर मैं इसमें जो आपको बताऊँगा कि हमें क्या करना है, आपके लिए ये रूल्स रहेंगे, ठीक है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉस, ठीक है, क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। आपने, अब मैं एक वर्ड दिखाता हूं आपको पिक्चर, आपने इस तरह का साइन देखा होगा। आप कभी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, ये मान लो सर्कल है, ये रोड इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर, और ऐसे चौराहे आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल देखे होंगे। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, कभी कभी यहाँ पर क्या होते हैं, ये इस तरह की लाइंस बनी रहती है, यहाँ पर बनी रहती है पैरेलल लाइंस, देखी किसी ने? हाँ देखी आप लोगों ने। और यहाँ व्हीकल्स मान लो जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किए, बहुत सारी ये लाइंस देखी होंगी, और ये किसके लिए रहती हैं, जो पैदल जाते हैं हम लोग, वॉक करके करते हुए जाते हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग उसी के लिए रहती है। तो हमें जब भी सड़क पार करनी है, चाहे सिंगल रोड हो, है ना, डबल रोड हो, या फिर आप किसी सर्किल पे, तो कहाँ पर, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग रहती है वहीं से हमें क्या करना है, रोड को क्रॉस करना है, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और यदि आपके स्ट्रीट पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें इधर उधर देखते हुए क्रॉस करनी है रोड को, रोड को हम इधर से क्रॉस कर रहे हैं तो हमें इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, और प्रॉपर डिस्टेंस में जब कोई दूरी पर हो, कोई व्हीकल हो, तभी हमें क्रॉस करना है। बिल्कुल पास में आ रहा है कोई व्हीकल तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस जो है नहीं करनी है, रोड क्रॉस नहीं करनी है, है ना, और दौड़ करके नहीं करनी है हमें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, याद रखोगे आप लोग बच्चों? देखा है आपने ये साइन? बिल्कुल देखा है, तो एक रूल हमें पता चल गया, है ना। दूसरा है, डू नॉट रन ऑन स्ट्रीट। तो स्ट्रीट पे आपको दौड़ना नहीं है, जब आप कभी घर जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपको स्ट्रीट पर दौड़ करके नहीं जाना है। सड़क पर आप जाते हैं तो क्या नहीं करना है, हमें दौड़ना नहीं है, दौड़ेंगे तो वाहन भी बहुत तेज से आ रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उससे खतरा हो सकता है। तो डू नॉट रन ऑन द स्ट्रीट, तो कौन कौन फॉलो करेगा इसको कि दौड़ के नहीं चलना है स्ट्रीट पर,
फिर दौड़ेंगे कहाँ, आप ये बताइए, फिर दौड़ेंगे नहीं यहाँ पर, फिर क्या ऑप्शन रह गया हमारे पास, कहाँ आप दौड़ेंगे, कहाँ आप खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो आप जो है कहाँ पर दौड़ेंगे, आप जो दौड़ेंगे प्लेग्राउंड्स पर, अपने घर पे आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सड़क है, वहाँ जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर आपको क्या है, दौड़ना नहीं है, है ना। तो एक चीज़ हमने ये सीख लिया। अब अगला जो हमारा रूल है वो है ऑलवेज वॉक ऑन पेमेंट, ऑलवेज वॉक ऑन पेमेंट। अब पेमेंट क्या कहलाता है, अच्छा आपने फुटपाथ तो सुना होगा ना, फुटपाथ सुना है आप लोगों ने, तो मैं बताऊं क्या होता है। आपने कभी रोड देखी होगी, इस तरह की रोड होती है ना, लेकिन उसके साइड में आपको पता होगा एक पतली सी स्ट्रीट बना दी जाती है, देखिए आपने इस तरह की, ये पतली सी जो सड़क बनाई जाती है वो किसके लिए रहती है, जो पैदल चलते हम लोगों के लिए रहती है ना। व्हीकल से जाएंगे तो मेन रोड से जाएंगे, साइड में जो होती है एक बहुत स्ट्रिप टाइप की रहती है जिसे पेमेंट बोलते हैं, पेवमेंट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज वॉक ऑन पेमेंट, जहाँ पर पेमेंट बनी है, नहीं बनी तो भी हमें सड़क के किनारे से चलना है, कभी भी हमें रोड के बीच से नहीं वॉकिंग करनी है, कहाँ पर, किनारे से, फुटपाथ कह सकते हो या पेमेंट कह सकते हो। तो हमें कहाँ पर चलना है, ऑलवेज वॉक ऑन पेमेंट, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे तो अगला जो रूल है हमारा वो है कि डू नॉट स्टिक आवर हैंड और हेड आउट ऑफ मूविंग व्हीकल। तो मूव कर रहा होता है व्हीकल, कभी कार से आप जाते हो ना, बस से, तो आपने कई देखो कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ बाहर निकाल लेते हैं, है ना, विंडो की, हमारा हेड बाहर निकाल लेते हैं कुछ चीज़ देखनी होती है, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है, उससे भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है, ठीक है। तो क्या नहीं हमें करना, डोंट स्टिक हैंड और हेड आउट ऑफ मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल, ठीक है, कोई व्हीकल चल रहा होता है, कार चल रही होती है, देखा ना आपने, मान लीजिए एक कार है, मैं एक कार बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक कार है, ठीक है, कार है, आपने यहाँ पे इसके विंडो देखी होगी ना, यहाँ पर विंडो से आपको हैंड जो है बाहर नहीं निकालना, अपन को हैंड जो है हमें मूविंग व्हीकल के बाहर नहीं निकालना, क्योंकि बगल से कोई वाहन जा रहा होता है तो हमारा हाथ लेते हुए चला जाएगा वो, है ना, तो हमें नहीं निकालना है हाथ, अपना हेड, कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट हमें बाहर नहीं निकालना है, कोई व्हीकल जो होता है मूव कर रहा होता है, ठीक है। अगला इसी के साथ में बता देता हूँ कि जो है कि ऑलवेज स्ट्रैप ऑन सीट बेल्ट्स, तो स्ट्रैप ऑन जो हमें, स्ट्रैप ऑन सीट बेल्ट्स ऑन कार, कार्स, जब आप कार पे बैठते हो ना, कार पे कभी जाते होगे आप लोग बाहर, तो हमेशा सीट बेल्ट हमें लगाना चाहिए। सीट बेल्ट लगाने से क्या होता है, अचानक ब्रेक मारते हैं, ब्रेक लगती है तो हमारी जो सेफ्टी, वो हमारा सीट बेल्ट हमें वो बचा लेता है हमें चोट लगने से। तो ऑलवेज स्ट्रैप ऑन सीट बेल्ट ऑन कार्स, तो कार पे जब हम बैठे हुए होते हैं तो क्या करना है, हमें सीट बेल्ट से लगा लेना है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक साइंस, जो नो आपको जानना है, ठीक है, ट्रैफिक साइंस, जो ट्रैफिक के साइन आप जो होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, आप लोग ने देखे भी होंगे, तुरंत आप लोग सीख जाओगे, वो आपको जानने हैं। आपने कभी, आप ये बताइए, आपने कभी सड़क पर कभी इस तरह की लाइट देखी है, रोड पर सर्किल के पास थ्री लाइट रहती हैं, ठीक है, रेड रहती है, येलो और ग्रीन, कई बार इस तरह की रहती है, बोर्ड रहता है और उस पर जो है राइट लगी रहती है, ऊपर की रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो ये आपने कभी लाइट देखी है ना, हाँ, अलग अलग कलर की, कभी रेड जल रही होती है, कभी येलो जो है ब्लो कर रही होती है, फिर ग्रीन, तो ये क्यों होती है, तो आपको फिर से मैं वही बात बताता हूँ, सर्किल वाली बात बताता हूँ। तो सर्किल आपने देखा होगा, चौराहे जो बने रहते हैं वो इस तरह से बने रहते हैं, देखा होगा आपने,
तो यहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट लगी रहती हैं, यहाँ पर लगी रहती हैं, है ना, यहाँ पर भी रहती हैं, हर जगह ये जो है, हर जगह जो है ट्रैफिक लाइट लगी रहती है। आपने देखी होगी कभी, सिंगल रोड पर भी होती हैं, जहाँ पर क्रॉसिंग होती है जनरली, वहाँ पर ट्रैफिक जो लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो लगे रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? ताकि मान लीजिए आपने देखे होंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्या हो रहे हैं, व्हीकल्स जा रहे हैं। ये मान लीजिए ब्लैक से मैं बना रहा हूँ, ये व्हीकल हैं, यहाँ से बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं और सामने से भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक रूल बनाना पड़ेगा जिससे जो है स्मूथली जो है व्हीकल चल सकें, इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। तो सिग्नल्स में बता दूं क्या होता है, यदि रेड रेड वाला ऑन है, ठीक है, रेड वाला सिग्नल जो है वो ऑन है, रेड लाइट यहाँ पर चल रही है। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, हमें स्टॉप हो जाना है। रेड लाइट हमारे सामने रेड लाइट होगी तो हमें स्टॉप हो जाना है, इसका मतलब बहुत सारे व्हीकल्स जो है क्रॉस कर रहे होंगे या आ रहे होंगे उस टाइम पे। तो रेड का सिग्नल का क्या मतलब होता है कि हमें स्टॉप स्टॉप होता है रेड का। तो इसके बाद जो ये येलो वाला सिग्नल रहता है, येलो कहता है कि स्लो डाउन एंड वेट, स्लो डाउन एंड वेट। इसमें क्या करना पड़ता है, यदि हम जा रहे हैं रोड पर और येलो सिग्नल जो है वो जल जाता है, येलो लाइट जलती है, तो हमें क्या करना है, स्लो डाउन एंड वेट। हमें अपनी स्पीड को स्लो कर लेनी है और वेट करना है वहाँ पर। और थर्ड वन इज़ ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है गो। जब ग्रीन लाइट होती है तब हमें चिंता की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हमें स्पीड को मेंटेन करना होता है और हमें चलते जाना होता है ग्रीन सिग्नल में। आई होप आपको समझ में आया बच्चों, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। इसका भी हम एक वर्कशीट से टेस्ट भी लेंगे, तो आप भी कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। और एक मैंने एक आइडिया देने की कोशिश करी है कि जब आप ट्रैफिक रूल्स बताएंगे तो कुछ रूल्स जो हैं बच्चों के लिए बताएंगे, ट्रैफिक साइंस को आप बताएंगे, इसके और तरीके हो सकते हैं, क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, और भी जो आप पिक्चर्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कमेंट करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।